हेलो, वेलकम टू द एसके रूफटॉप किचन गार्डन। आपका एसके रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको चुकंदर की अपडेट देंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद सूरज निकला, इसलिए आप अपने प्लांट्स की अब बारिश, ये देखिए बारिश होने के बाद अब आप अपने प्लांट की, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में बारिश हुई है, आप अपने प्लांट की गोड़ी करें। गोड़ी करने के बाद आप खाद डालें, क्योंकि अब फरवरी की स्टार्टिंग आने लगी है, जनवरी का अब लास्ट वीक चल रहा है। हमने चुकंदर के ऐसे ही हमारे पास बीज पड़े थे, हमने डाल दिए थे, उसकी वीडियो नहीं बनी थी। ये देखिए अभी भी कई सीड्स जर्मिनेशन ले रहे हैं। ये देखिए अभी भी कई सीड्स जर्मिनेशन ले रहे हैं। ये देखिए कई साथ साथ में ही जर्मिनेशन ले रहे हैं। और ये हमने सीड्स मतलब लगाए नहीं थे, हमने ऐसे ही यहाँ सॉइल में फेंक दिए थे। ये देखिए हमने ऐसे ही सॉइल में फेंक दिए थे सीड्स, इन्होंने जर्मिनेशन ले ली। अब ये देखिए अब स्प्रे करना शुरू कर दें, क्योंकि मौसम आ रहा है अब कीड़ों का भी अटैक होने का, क्योंकि अब सब्जियां लगाने का भी मौसम आ रहा है और कीड़ों का हमले का भी मौसम आ रहा है। अब साथ साथ में ही नीम ऑयल भी स्प्रे करते रह जाएं। ये हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखिए चुकंदर हमने एक 1 मंथ हो गया इसको लगाए। 1 मंथ के प्लांट्स का आप ग्रोथ दे सकते हैं। ये सबसे स्लो ग्रोथ हुई है प्लांट्स के हमारे, क्योंकि यहाँ पर जनवरी के स्टार्टिंग से ही सूरज नहीं निकल रहा था। सूरज निकल रहा था पर अच्छे से नहीं निकल रहा था, बादलों के बीच में ही रह रहा था, जिसके कारण इन प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ नहीं पाई। अब इन्होंने ये देखिए न्यू ये तो धुंध के कारण है। ये देखिए इसके सारे लीव्स रेड कलर के हैं, अब ग्रीन लीफ नीचे से निकल रहा है। ज़्यादा देर सूरज ना निकलने के कारण हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हुई चुकंदर के, नहीं तो 1 मंथ के प्लांट्स सही ग्रोथ ले लेते हैं, मतलब अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है। देखिए ये 1 मंथ के प्लांट्स का ग्रोथ है, अपडेट है, इन्होंने अभी अच्छी ग्रोथ नहीं ली, अब लेंगे। अब हमें मार्च में चुकंदर मिलनी शुरू हो जाएगी, या फरवरी एंड में मार्च स्टार्टिंग में चुकंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने लगाई भी लेट थी, हमारे पास सीड्स पड़े थे, पुराने सीड थे, इसलिए हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जर्मिनेशन पता नहीं होगी नहीं होगी। अब सीड्स को अच्छी पैकिंग में रखेंगे, अच्छी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। चाहे दो साल पुराने हो सीड्स। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ से हमने सीड्स मतलब यहाँ से हमने कई प्लांट्स उखाड़े, कई प्लांट्स को हमने निकाला और दूसरे कंटेनर में लगाए, वो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है सुबह सुबह की भी। यहाँ पे हमने प्लांट्स लगाए चुकंदर के, ये अब अच्छी ग्रोथ करनी शुरू कर दी है इन्होंने। 7 प्लांट्स लगाए हैं हमने इस पॉली ग्रो बैग में। इसके साथ ही ये देखिए टमाटो के प्लांट्स भी लगे हुए हैं। अब चुकंदर के आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप सुबह सुबह अपने गार्डन में आए, टेरेस गार्डन हो चाहे ग्राउंड फ्लोर गार्डन हो, हमने ग्राउंड फ्लोर गार्डन में भी चुकंदर लगा दिया। वहाँ पे भी बारिश होने की वजह से वो अच्छे से बढ़ नहीं पाई हमारी टेरेस गार्डन में अच्छे से। ये देखिए लीव्स, अब इसके ट्रू लीव्स आ चुके हैं। अब जिन जिस शहर में बारिश हुई है वो अब
अपनी सॉइल में पानी मत डालें सॉइल को। अभी ये छोटे प्लांट हैं इसलिए इनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये नीचे बननी होती सब्जी, अंदर कहीं नीचे से जड़ गल मत जाए, ये ध्यान रखें। इसकी गोडी आप कर सकते हैं, जैसे ये देखिए ये प्लांट्स की थोड़ी दूरी में ही आप चारों ओर गोडी कर और काउडंग कंपोस्ट डाल दें। ये देखिए आप भी अभी भी आप लगा सकते हैं चुकंदर, क्योंकि फरवरी लास्ट तकन ठंड रहती है, फरवरी लास्ट तक आप अभी भी लगा सकते हैं चुकंदर। आप पनीरी मिल जाए आपको फिर तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पनीरी से ऐसी आपको पनीरी मिल जाए फिर तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसकी पनीरी मिलना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल से ही इसकी पनीरी मिलती है, क्योंकि ये पनीरियों से ख़राब हो जाते हैं। बड़ी केयरफुल तरीके से इसको लगाया जाता है, ये देखिए आप भी लगाए चुकंदर, बहुत हेल्थ बेनिफिट है चुकंदर का। सीड्स हमने सीड्स वाली वीडियो नहीं है हमारे पास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।